प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक को रखा जा सकता है। प्रयागराज में नैनी जेल प्रशासन ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है और बड़ी खबर यह है कि जेल में 13 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो 13 से 16 कैमरों की निगरानी में माफिया अतीक अहमद और इस बीच प्रयागराज में पूरी तैयारी, जेल प्रशासन अलर्ट है। अतीक को लेकर जेल प्रशासन ने जिस तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है, विनय इस बारे में जेल प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है, इस बारे में क्विक अपडेट लूं आपसे। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर उस पूरे प्लान की जानकारी भी, क्योंकि अब जिस तरीके से यूपी लाया जा रहा है अतीक को, पुलिस के इसी के तहत दो बड़े प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी। जहां प्लान ए के तहत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये एक पूरा रूट, लेकिन प्लान बी के तहत जिस तरीके से सीक्रेसी रखने के सवाल यहां पर पुलिस की तरफ से भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ गूगल ट्रैक किया जाएगा पूरे रूट को, लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से भारी सुरक्षा के साथ अतीक को यूपी लाया जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश। ब्रिजलाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर ऑफिसर हैं। ब्रिजलाल सर, TV9 भारतवर्ष को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच जिस तरीके से फॉर्मर DGP यूपी ब्रिजलाल सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिस तरीके से ये पूरी तैयारी की जा रही है अलग अलग प्लान्स के तहत लाने की ये कोशिश, और कितना बड़ा चैलेंज है यूपी पुलिस के लिए सर आपको लगता है? देखिए, अतीक एक शातिर अपराधी है, 1980 से इसके क्राइम की शुरुआत हुई थी और दर्जनों मर्डर, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती सब टाइप का, ऐसा कोई केस नहीं है जो अतीक के ऊपर ना हो जी। तो वजह है कि ये आदमी शातिर क्रिमिनल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसे अहमदाबाद में जेल में रखा गया था, क्योंकि जब देवरिया जेल में था तो यहाँ जेल में रहते हुए एक व्यापारी को उसने जेल में बुलवा करके जेल में पीटा था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कोई चैलेंज नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास संसाधन है, लेकिन सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और ये सरकार की, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है कि अतीक को सुरक्षित रूप से जेल में लाया जाएगा। अब वो किस जेल में रखा जाएगा तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अतीक को लाना दो चीज़ से बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो मौजूदा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जी, उमेश पाल हत्याकांड जी, सबसे बड़ा अपराधी जो है, मास्टरमाइंड अतीक है, जो प्रूव हो चुका है। इसके कुछ गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, दो गुर्गे इसके मारे जा चुके हैं जी। इसका बेटा जो मौके पर जो ऑपरेशन को लीड किया था वो फरार है, इसका भाई बरेली जेल में अशरफ बंद है। तो अब इसको ला करके, एक तो उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इसके तमाम हथियार मिल चुके हैं, लेकिन इन लोगों के पास कितने हथियार हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इसके दफ्तर से पहली बार आज से साल डेढ़ साल पहले, और इसमें ये इसकी राइफल रूगर, अमेरिकन रूगर बरामद हुई थी 30 स्प्रिंगफील्ड, और एक पिस्टल थी वो स्मगल्ड थी।